बुजुर्गों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा अब डाकघरों के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत ही डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए काम किया जा रहा है और इसके तहत पात्र लोगों के घर द्वार में जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सुविधा मिल रही है। वहीं कोरोना संकट के दौर में घर द्वार पर बुजुर्गों के जीवन प्रमाण पत्र बनाने से लोगों ने भी सरकार और विभाग का आभार व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिला में मुख्य डाकघर के माध्यम से अभी तक 600 पात्र लोगों के जीवन प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं और पहले ये प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक ही बनाए जाने थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र बनाने की तिथि 28 फरवरी कर दी है। डीआर चंदेल और प्रवीण सोनी, स्थानीय लोगों ने डाक विभाग और सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले असुविधा रहती थी, लेकिन डाक विभाग के द्वारा घर द्वार पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने से लोगों की समस्या हल हुई है। लोगों का कहना है कि योजना से लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और डाकिया घर में जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे, जिससे खासकर पेंशनरों को बहुत ही लाभ मिलेगा। ये जो स्कीम पोस्ट ऑफिस वालों ने लॉन्च की है, ये ज्यादा काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि लोगों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा या वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा देर। और क्योंकि ये जो पोस्टमैन है वो घर में ही इसको प्रमाण पत्र को डिलीवर करेगा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, स्पेशली पेंशनर्स के लिए जो ज़्यादा देर मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते या खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल। ये भारत सरकार की एक सबसे अच्छी पहल है, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं, पेंशनर लोग हैं, जो आ नहीं चल नहीं सकते हैं, ना उनको कोई सहारा है लाने और ले जाने का, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये तो एक स्वर्णीय देन है भारत सरकार की और मोदी गवर्नमेंट की, कि घर द्वार के ही ऊपर अब उनको डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मोदी साहब स्वागत योग्य, जो कदम उन्होंने उठाया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुविधा चालू होने से बहुत फ़ायदा हो गया है, जैसे पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ता, अभी सुविधा के होने से घर पे ही सारा सब कुछ हो जाता है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सरकार का ये जो है बहुत अच्छी पहल है उनकी, और बहुत अच्छा ये लगा उनका, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुख्य डाकघर हमीरपुर के प्रबर अधीक्षक ने बताया कि सरकार के द्वारा अब डाकघरों के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत ही डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए काम किया जा रहा है और इसके तहत पात्र लोगों के घर द्वार में जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 600 लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और 28 फरवरी तक प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि डाक विभाग के द्वारा इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं। हमारे विभाग को आईपीपी बैंक के द्वारा 1/11 से जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का कार्य मिला है, और इसके तहत हमने कर्मचारी को ट्रेनिंग दी, मीटिंग ली, तो लगभग 10 तारीख से ये काम स्टार्ट हुआ, तो आज तक पूरे मंडल में लगभग 600 के लगभग जीवन प्रमाण पत्र बन चुके हैं, जिसमें हमीरपुर के सबसे ज़्यादा हमीरपुर मंडल, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 500 के लगभग डिजिटल सर्टिफिकेट बन चुके हैं। इसमें रीज़न रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जीवन प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर से पहले ही बन चुके हैं, पर तो हमारे ईपीएफ के कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ ये अभी तक लोग बना रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी इसको एक्सटेंड कर दिया, पहले 31/12 लास्ट डेट थी, अब ये 28/2/2021 तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है, और हमारे कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट है कि हम घर द्वार जा कर के इस सर्टिफिकेट को बना करके दे रहे हैं, ताकि लोगों को बस में ना आना जाना पड़े, लोक मित्र में नहीं जाना पड़े, क्योंकि पहले लोक मित्र में लोगों को दूर जाना पड़ता था, नंबर दो उनको अपडेट के लिए भी जाना पड़ता था, यहाँ डाक विभाग के द्वारा यदि सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो अपडेट करने की उनको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकदम जैसे वहाँ सबमिट करेंगे उनका डी डी ऑफिस में अपडेट हो जाएगा, एक बहुत बड़ी सुविधा है। खुश हो रहे हैं क्योंकि घर में जा करके हम उसके यदि कोई बीमार है तो उसके बेड पर भी इस सर्टिफिकेट को बना करके अपडेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और मैं
जनता से अनुरोध करूंगा कि आप अपने नज़दीकी शाखा डाकघर, उप डाकघर, मुखिया डाकघर, हर डाकिय से संपर्क करें। हमारा मैक्सिमम डाकिय जो है एंड यूज़र इसमें कार्य करने में सक्षम है और हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर ज़्यादा सक्षम हैं जो कि इंटीरियर में हमारी डाकघर स्थित हैं और उप डाकघर, मुख्य डाकघर में इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सभी कर्मचारी हमारे ट्रेंड हैं। परंतु हमने अभी इंस्पेक्टर ASP उनकी मीटिंग मिली है लास्ट वीक और उससे काफ़ी ड्राइव चल रहा है। लोग हमारे मेल ओवरसियर और डाकिये गांव गांव जाकर के दौरा कर रहे हैं ताकि डाक भी बन रहे और इसका इस सर्टिफिकेट को भी बनाया जाए। तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप नज़दीकी डाकघर से, नज़दीकी डाकिये से, हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर से संपर्क करें। किसी किस्म की कोई शिकायत है तो मैंने अपना नंबर यहाँ का दिया हुआ है, अखबार में भी दिया है, अभी देता हूँ 1972-222-323 इस पर बात कर सकते हैं, 222-235 पर भी बात कर सकते हैं। और किसी किस्म की शिकायत है तो इन नंबरों पे आप लोग हमारे कर्मचारी 550 अवेलेबल रहेंगे, आप अपना नियमित तौर पे अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही आ रही है। हमारे टेक्निकल इशू भी कोई इसमें नहीं है क्योंकि हमारे डिवाइस, हाँ ये ध्यान रखें प्रिकॉशनली कोई भी हमारा कर्मचारी जाता है तो सावधानी का जरूर ध्यान रखें क्योंकि कोरोना करके ही इस स्कीम को हम घर द्वार लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को कहीं भीड़ में जाना पड़े, कहीं लोक मित्र में, किसी बैंक में ना जाना पड़े। ये बहुत बड़ी सुविधा इस कोरोना काल में डाक विभाग को दी गई है और जाके घर 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 जा करके और अपना अंगूठा सैनिटाइज करें, अपनी मशीन वहाँ मशीन को सैनिटाइज करें, मास्क पहनें, दूरी बना के रखें और इसका उपयोग करें। धन्यवाद। गौरतलब है कि जीवन प्रमाण पत्र से EPF और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी बनाने के लिए सुविधा मिल रही है, जिसके लिए बकायदा डाकघर के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के द्वारा घर द्वार में जाकर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही प्रमाण पत्र को अपडेट करने के लिए भी घर द्वार पर सुविधा दी जा रही है, जिसके चलते लोगों को लोकमित्र केंद्र या साइबर कैफों के भी चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं।